नाम से आता है। आपको प्राइस बताते हैं, अगर RX-L लेने जाते हो ना तो उसकी आपको एक शोरूम देनी पड़ती है 7,05,000 रुपये, और अगर RX-T लेने जाते हो यानी आपके सामने जो है इसके लिए 7,60,000 रुपये देने पड़ते हैं, यानी 55,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इसको लेकर। फीचर्स क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं वो बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको उसमें पूरा मैट ब्लैक कलर का ग्रिल मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको क्रोम कलर का जो है 3 पट्टी मिल जाता है फ्रंट साइड में। बाकी हेडलैम्प हो ये सारा चीज़ सेम मिलेगा, उसमें भी आपको DRL नहीं मिलता है, इसमें भी आपको DRL नहीं मिलेगा। साइड में आते हो तो साइड में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि उसमें आपको साइड फेंडर के ऊपर इंडिकेटर मिल रहे थे इसके नीचे वाले वेरिएंट में, लेकिन इसमें आपको ORVM पर मिल जाते हैं, और ORVM आपको पियानो ब्लैक कलर का मिलता है, और डोर हैंडल्स ये सारा चीज़ आपको बॉडी कलर का ही मिल जाता है। नीचे वाले में ये आपको मैट ब्लैक मिल रहे थे, डोर हैंडल्स भी आपको मैट ब्लैक कलर के मिल रहे थे। तो बाहर साइड से इतना सा कुछ चेंजेस आपको मिल जाएंगे। अब आ जाओ पीछे साइड, पीछे में भी आपको सारा चीज़ सेम मिलेगा। हाँ, रियर कैमरा जो है वो आपको इसमें भी नहीं मिल रहे हैं, ना ही इसके ऊपर वाले वेरिएंट में मिलते हैं। हालांकि इसमें आपको टच स्क्रीन जो है 8 इंच की वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। रैनो का लोगो मिल जाता है, ड्राइवर लिखा हुआ आता है, और रैनो लिखा हुआ इस जगह मिलता है। बूट स्पेस कुछ इतना सा मिलता है, हाँ अगर आप इसे फोल्ड कर देते हो तो आपके पास अच्छा खासा बूट स्पेस हो जाएगा। और ये चीज़ सही है कि दोनों आपको हेडरेस्ट जो है ये मिलते हैं एडजस्टेबल वाले, जिससे पीछे साइड अगर कोई लंबा बंदा भी बैठता है तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, जा सकता है। देख लो अब अच्छा खासा यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। वापिस सही से कुछ ऐसे कर दो। थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग सॉकेट तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ आपको AC वेंट्स ज़रूर मिल जाएंगे इस वेरियंट में। अब करते हैं इसे बंद और चलते हैं आपको इस साइड लेके। नॉर्मल वाली आपको एंटीना मिलेगी, रूफ रेल्स इसमें भी मिल जाते हैं और उसमें भी मिल जाते हैं। असल जो चेंजेस मिलते हैं ना वो आपको इंटीरियर में मिलेंगे इस गाड़ी में। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, आपको उसमें विंडो से रिलेटेड कंट्रोल सिर्फ 2 मिल रहे थे, ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड के लिए, और पीछे साइड के लिए उसमें आपको यहाँ पर मिल रहे थे, मिल तो रहे हैं इसमें भी, लेकिन ये जो 2 बटन है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं इस जगह इस गाड़ी में। डोर लीवर देखो यहाँ पर मिल जाते हैं, मतलब मिडिल फैमिली क्लास के लिए ना काफ़ी मस्त गाड़ी है। वहाँ देखो डिलीवरी भी हो रही है, मतलब अच्छी खासी सेल हो जाती है। ड्राइवर साइड वाली सीट में हाइट एडजस्टमेंट तो आपको नहीं मिलता है, फ्यूल लिड ओपन करना है यहाँ से ओपन करो, 40 लीटर की आपको टैंक कैपेसिटी मिलती है। ORVM एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक वाला आपको इस वाले वेरियंट में मिलता है, उसमें आपको मैनुअल यानी हाथ से कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, इसमें आपका यहीं से ये सारा चीज़ काम करेगा। और उस गाड़ी में आपको सिर्फ 2 स्पीकर्स आ रहे थे फ्रंट वाले दोनों डोर पर, लेकिन इस गाड़ी में आपको टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं, आगे वाली दोनों डोर पर मिल जाएंगे और पीछे साइड वाले दोनों डोर के ऊपर मिल जाते हैं। यहाँ हो गए आपके चाबी लगाने के जगह। चाबी कैसे मिलती है, तो भाई चाबी आपको सेम मिल जाते हैं, चाबी से लेकर कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। गाड़ी आपको लॉक करनी हो, अनलॉक करनी हो उससे रिलेटेड, और ये आपको मैनुअल लगाने का सिस्टम मिलता है। हेडलैम्प का कंट्रोल मैनुअल वाला मिल जाता है, इस जगह आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिलता है, और स्टेयरिंग व्हील नॉर्मल वाला ही मिलता है, रैनो का लोगो भी मिल जाता है। अब यहाँ देख रहे होगे ये जो चीज़ है आपको RX-TL वाली वेरिएंट में ये चीज़ नहीं होंगे, यानी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल आपको इसमें मिल जाते हैं, साथ में वॉइस म्यूट करना हो और कॉल रिसीव करना हो उससे रिलेटेड। उसमें आपको 2 DIN वाले यानी USB ब्लूटूथ वाले जो सिस्टम वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम थे वो चीज़ मिल रही थी, लेकिन इसमें आपको 8 इंच का मिल जाता है बड़ा सा टच स्क्रीन। ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड ये बटन हो गए, ये सारे जो फीचर्स हैं इसके बेस वेरिएंट से ही आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसमें मिलेगा। चाहे आप RX-Z ले लो, चाहे आप RX-E लो, ये आप देखो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ हो गया, ऑन हो गया, और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है, उन सबसे रिलेटेड ये सारी चीज़ खैर सेम मिलती है। एक्स्ट्रा वही चीज़ ये हो गए आपके, ये कंट्रोल हो गए, और साथ में ये जो है अपने को कूल्ड वाला मिल जाता है इस वाली वेरिएंट में, और अपर साइड में ग्लो बॉक्स मिलता है। ये जो चीज़ है आपको इसके नीचे वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, वैसे नीचे साइड ये तो आपको सब जगह सेम मिलता है। और यहाँ देखते हो तो इसमें आपको मैनुअल वाला ही सही, बट ये चेंज करने का सिस्टम मिलता है, लेकिन ये चीज़ अपने को RX-L वाली वेरियंट में भाई नहीं मिलते हैं, वो खुद से मतलब नॉर्मल जैसे रहते वैसे ही रहेंगे। रीडिंग लैम्प आपको हेलोजन वाले मिल जाते हैं, सनवाइजर मिल जाते हैं इस जगह, आपको सनवाइजर में वैनिटी मिरर भी मिल जाते हैं, और डैशबोर्ड कुछ ऐसा सा आपको पियानो ब्लैक कलर, ऊपर साइड में आपको टोटल हार्ड प्लास्टिक,
दो एयरबैग्स मिलेंगे, चार एयरबैग अभी तक आपको इस गाड़ी में इस वाली वेरिएंट तक तो फिलहाल आए नहीं हैं। पता नहीं ये चीज़ रेनो वाले कब अपडेट करते हैं। बाकी MID जो है आपको सेम मिलता है, RPM मीटर हो गया, ठीक ये हो गया, इस साइड हो गया अपना फ्यूल लेवल इंडिकेटर, इंजन हीट से रिलेटेड वार्निंग, बीच में इसे आपको चेंज करना है तो यहाँ से प्रेस करो, डिजिटल स्पीडोमीटर बताएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी, इंस्टेंट क्या माइलेज दे रहा है, क्या एवरेज दे रहा है, फ्यूल यूज टोटल कितना किया है, एवरेज क्या स्पीड रहा, सर्विस इंटरवल, और भाई टायर प्रेशर वाली जो चीज़ है वो भी जाती है मिल। अभी के टाइम यानी 2023 वाले रेनो ट्राइवर की बात कर लो, काइगर की बात कर लो, क्विड की बात कर लो, सारे गाड़ी में इनके जो भी गाड़ी अभी अपने इंडियन मार्केट में आ रहे हैं सब में ये चीज़, और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल, VSM, ये सारे फीचर्स भाई दे देते हैं, जो भी सेफ्टी फीचर्स है वो। दूसरी चीज़ आपको बताते हैं, जैसे कि इस सेगमेंट में आप जाते हो गाड़ी लेने कम प्राइस में, लोग खोजते हैं भाई 7 सीटर कार की, भाई 7 सीटर कार मिल जाए तो मौज हो जाए, जैसे कि पीछे साइड अपने जो फैमिली है छोटे छोटे बच्चे हैं वो ले रहे हैं, तो आपके पास ना सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचते हैं। ऐसे आप जोड़ोगे मारुति सुजुकी की इको, तो वो भाई 7 सीटर नहीं है, वो एक तरह से मतलब मल्टीपर्पज टाइप की व्हीकल है, पैसेंजर्स व्हीकल नहीं है ऐसा कह सकते हैं। तो आपके पास एक अर्टिगा बचती है, दूसरी ये बचती है। अर्टिगा लेने जाते हो भाई प्राइस अच्छे खासे देने पड़ जाते हैं और सेफ्टी भी आपको वैसी कोई खास मिलती है नहीं, लेकिन इस गाड़ी में आपको प्राइस कम के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स भी जो हैं आपके काम लाइक वो सारे चीज़ मिल जाते हैं। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी में मिलेगी। अर्टिगा या फिर किया कैरेंस को ही आप ले लो तो वो सारे गाड़ी भाई इसके सामने फिसड्डी है। मोबाइल रखने के लिए स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, ये हो गया अपना मोबाइल रखने के लिए अगेन स्पेस, USB चार्जिंग सॉकेट और साथ में एक ऑक्स का सिस्टम मिलता है और ये मैनुअल AC का सिस्टम है, अगर नहीं बताया हो रह गया हो तो जान लो। अब आ जाओ पीछे वाली डोर पे, यहाँ टैंक कैपेसिटी 40 लीटर का मिलेगा। फ्यूल पीछे साइड वाली विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये चीज़ से मिलते हैं। स्पीकर जो है वो आपको इसमें एक्स्ट्रा, वही जो बताया दो ऐड हो रहे हैं वो आपको इसमें मिल जा रहे हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ फ्रंट वाली डोर पर ही स्पीकर मिलेंगे। और हाँ, AC वेंट्स जो है सेकेंड रो वाले पैसेंजर के लिए और थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए आपको इसी वाले वेरियंट से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब भाई 60-65 जो भी 50-60 हज़ार रुपये जो आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो भाई काफ़ी वर्थ इट है ये वाली वेरिएंट अगर आप ले लेते हो तो। इसीलिए काफ़ी सारे जो बंदे हैं वो इसी वाली वेरिएंट की तरफ जाते हैं। दो आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, दोनों एडजस्टेबल मिलेंगे, यहाँ पर रीडिंग लैंप मिल जाते हैं हेलोजन वाले सेम आगे वाले की तरह। और स्पेस आप देखो तो स्पेस 4 मीटर से गाड़ी की जो लेंथ है वो है कम, यानी 3995 mm की, तो उस हिसाब से कुछ इतना से यहाँ पर स्पेस मिलता है। ये सही है कि सीट जो है आप आगे पीछे कर पाओगे, ये सिस्टम सही लगा जिससे आपकी यहाँ पर की स्पेस मैनेज करना हो जाता है आसान। इंजन ऑप्शन सिर्फ आपको एक मिलते हैं 1 लीटर के, हालांकि AMT का भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो अपना है 1000 cc का आपको पेट्रोल इंजन, ये 72 PS का पावर और 96 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है, 3 सिलेंडर वाला है। ये देखो अपने 3 सिलेंडर आपको झलक रहे होंगे। ABS इन सारा चीज़ का सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है, पैडिंग वैडिंग भी मिल जाती है और ठीक है। यहाँ पर का एरिया कम है, पीछे साइड केबिन एरिया जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से स्पेस जो है थोड़ा ईजी रखना कंपनी वालों को हो जाता है इस गाड़ी में। बाकी आपको कैसी लगती है ये रेनो ड्राइवर 7 सीटर कार, खास के अपने ग्रामीण एरिया में बहुत ज़्यादा भाई सेल होती है। अगर प्लान कर रहे हो तो ये वाली वेरिएंट जरूर लेना, 50-60 हज़ार रुपये भाई लगाओगे तो आपके पैसे वसूल वाले जो चीज़ है वो हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि मैं कहाँ पैसा डाल दिया फालतू का। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ बी सेफ़।